हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अड्डा चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ कल, और हम आज सुबह से एक गुड न्यूज़ सुन रहे हैं। बहुत सारे ऑथेंटिक चैनल, बहुत सारे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर ने इसे पब्लिश किया कि अराउंड इंडिया में 3,500 टन्स गोल्ड मिले हैं, और ये उत्तर प्रदेश में मिले हैं। तो ये न्यूज़ कहाँ पर जाके रुक गया, ये मैं पूरा आपको इनिशियल से बताऊँगा। यहाँ पर आप यूपी में, उत्तर प्रदेश में सोन पहाड़ी एक इलाका है, वहाँ पे ये अराउंड पाया गया गोल्ड 3,500, इसका ये न्यूज़ आया। इसको बहुत सारे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर ने, द इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश किया कि 3,500 टन्स पाए गए, द इकोनॉमिक्स टाइम ने इसको पब्लिश किया कि 3,350 टन्स पाए गए गोल्ड, और ये लगभग इस गोल्ड का वैल्यू लगा रहे थे कि 12 लाख करोड़ गोल्ड की वैल्यू है, तो एक ह्यूज अमाउंट है। और यहाँ पे डीडी न्यूज़ ने पब्लिश किया कि 3,000 टन्स मिले। फिर यहाँ तक इस ऑथेंटिक और बनाने के लिए हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर ने इसे पब्लिश किया कि इंडिया अब वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आ जाएगा गोल्ड रिजर्व में, इंडिया के पास बहुत सारा गोल्ड हो गया। तो ये जो गुड न्यूज़ इतना फैल रहा था, सडनली इस पर ब्रेक लग गया। अब ये ब्रेक क्या लगा, देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर ऑथेंटिक इसे पब्लिश किया, तो हमें लगा कि अब हम गोल्ड के रिजर्व में वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर आ जाएंगे। यूएसए फर्स्ट नंबर पर है, आप ये लिस्ट देख सकते हैं, यूएसए फर्स्ट नंबर पे है 8,301 टन, तो इंडिया के पास ऑलरेडी 633.1 टन गोल्ड रिजर्व है आरबीआई के पास। तो हमें लगा कि अब हम जर्मनी को सरपास कर देंगे, जर्मनी का पोजीशन लेके वर्ल्ड में सेकंड आ जाएंगे। इसी को अर्बन मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर ने इसको ट्वीट करके बोला। तो अब हम इस चीज को जानते हैं। देखिए ये अब ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ इकोलॉजी और माइनिंग, इनने डिक्लेयर किया कि इंडिया में ऑलमोस्ट अराउंड उत्तर प्रदेश में सोन पहाड़ी जो इलाका है और उसके आसपास में हाड़ी जो हिल्स है उसके आसपास में आपको 3,500 टन्स के गोल्ड रिजर्व है। अब ये जो गोल्ड रिजर्व है, इसका अभी लेटेस्ट में एक न्यूज़ मिला कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको बोला कि जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के राय हैं, उनके जो वर्ड्स हैं, उनकी जो कम उनके जो स्पीच, मतलब आप बोल सकते हैं उनके जो कमेंट्स हैं उससे, उनके जो डायलॉग्स, हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते, और हमारा यहाँ पे पॉइंट अलग है, उनके पॉइंट से हम सेटिस्फाई नहीं है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी करके कहा कि ये 3,500 टन से कितना ये तो हमें नहीं पता, मगर यह कुछ वहाँ पे गोल्ड है, और इनने अप्रोक्स बोला कि 160 केजी गोल्ड है। तो कहीं ना कहीं एक पूरे भारतवर्ष में एक सपना जो बन रहा था कि हम गोल्ड में नंबर, वर्ल्ड के नंबर 2 रिजर्व में आ जाएंगे, अब ये देखिए आप, ये भी नहीं था कि ये रिजर्व होगा जाके गोल्ड, या इसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसको ऑक्शन करेगी, या इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे, उस जो लैंड है सोन पहाड़ी इलाका, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कितना इलाका आएगा, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट का इलाका होगा, क्या स्टेट गवर्नमेंट का इलाका होगा, मगर हाँ ये उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे बहुत डेवलपमेंट होता क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट पे था। अगर हाइपोथेटिकली हम मानते हैं कि ये सारे गोल्ड निकाल के आरबीआई अपने पास रिजर्व रखता, तो हम वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर आ जाते हैं, आप लिस्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक प्राउड का भी मूवमेंट था, बट ये जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नया नोटिस जारी करके कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के राय है उनके हम वर्ड से सहमत नहीं है, ये अराउंड 5,000 का लॉटरी लगा तो ढोल बजाकर पूरे मोहल्ले को बताने की क्या जरूरत है, आप भी, और 5,000 लगा तो सटिया गया 160 केजी, तो कहीं ना कहीं एक झटका लगा, एक सपना जैसे भारतवर्ष में नंबर 2 गोल्ड रिजर्व में था, या हमारे देश को एक बूस्ट मिलता है और एक उत्तर प्रदेश का अच्छा खासा पूरे देश का विकास होता, तो ये कहीं ना कहीं एक स्टॉप पॉइंट लग गया। इसलिए मैं जो भी लेक्चर या जो भी आपको करेंट अफेयर्स पे भी वीडियो बनाऊंगा तो एकदम ऑथेंटिक सोर्सेस होंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ये कह रहा है, फिर आपको द इकोनॉमिक्स टाइम्स ये कह रहा है, सॉरी इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो डीडी न्यूज़ का आप देख सकते हो, एक कोट मैंने लिया है तो ये डीडी न्यूज़ में ने भी छापा था, और ये हरदीप सिंह पुरी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, उनने भी ट्वीट करके कहा था। तो ये बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स है, जब इन्फॉर्मेशन मिली तो यहाँ पे लोगों पे ये इन्फॉर्मेशन शेयर होने लगी और सब बहुत खुश थे। तो इसमें हम यही जाने कि या हाँ, उत्तर प्रदेश और सोन पहाड़ी जो इलाका है वहाँ पे तो गोल्ड के कुछ रिजर्व है,
मतलब अराउंड 160 kg के अराउंड बोल रहे हैं, बट ये 3500 टन्स, ये सच्चाई नहीं है। तो इस बात को आप जानिए और थोड़ा निराश ना हो, ऐसे फ्यूचर में अगर किस्मत अच्छी रही तो हमारे देश में रिसोर्सेस मिलते रहेंगे। गोल्ड एक बहुत कीमती मेटल है, ये हम सब जानते हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, काम अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। आपके आपके हेल्प से, आपके मोटिवेशन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी अच्छे वीडियोस बना के लेके आऊंगा। तो जितना हो सके शेयर करें। कैंडल लूज नथिंग टू लाइट अनदर कैंडल। थैंक यू।